हेलो एवरीवन, अगर आप प्राइवेट टीचर हैं किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग सेंटर में, आप प्राइवेट टीचर एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर आप जॉब करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक देखें, इसमें आपके फ़ायदे की बात होगी। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट टीचर्स हैं जो कोचिंग सेंटर्स में, स्कूल में, कॉलेज में, कंप्यूटर सेंटर्स में जॉब करते हैं। उन्हें ऑफ़र लेटर नहीं मिलता है, उन्हें सैलरी बहुत कम मिलती है। जितना वो जिसके हकदार हैं, हम कह सकते हैं जिसके वो हकदार हैं, उतनी सैलरी उन्हें नहीं मिलती है। जो सैलरी मिलती है वो भी वक्त पर नहीं मिलती है। किसी को 3 महीना, किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीने के बाद सैलरी मिलती है। अगर सवाल करो तो जवाब ये मिलता है, हमारे पास यही प्रोसीजर है, अगर आपको जॉब करना है आप कर सकते हो, या फिर आप कहीं और जॉब ढूंढ लो। उन्हें कभी भी विदाउट नोटिस फायर किया जाता है, निकाला जाता है। एज अ टीचर, प्राइवेट टीचर, अगर मैं अकेला हूँ तो वो मजबूरी में, कह सकते हैं आप उनकी, टीचर्स की मजबूरी हो सकती है कि हम कहाँ जॉब ढूंढेंगे, हमें पहले से ही एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, हमें जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए टीचर्स मजबूरी में उसी जॉब को बगैर कुछ सवाल जवाब के वो लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, और जैसे मैनेजमेंट कहता है वैसे ही वो काम करते हैं, और ये सोचते हैं कि मेरे अकेले से क्या होगा। अगर सोचो कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी यूनिटी होगी, आपका ग्रुप होगा जो आपके लिए हमेशा खड़ा होगा, आपके तकलीफ़ में, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर एक ग्रुप होगा, एसोसिएशन होगा टीचर्स का, प्राइवेट टीचर्स का, जो आपके सैलरीज पे, आपके दूसरी बहुत सारी चीज़ों पे जो आजकल हम फेस कर रहे हैं एज अ प्राइवेट टीचर, अगर वो एसोसिएशन आपके लिए खड़ा होकर बात करेगा तब क्या होगा। इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, बार बार मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी प्राइवेट टीचर्स से कि क्यों ना हम अपने बीजापुर शहर में एक प्राइवेट टीचर्स का, जिसमें कॉलेज के हों, स्कूल्स के हों, कोचिंग सेंटर्स के हों, या फिर किसी भी कंप्यूटर सेंटर के हों, सारे टीचर्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाएं, ताकि हमारा भी इस बीजापुर शहर में डेवलपमेंट हो, और प्राइवेट टीचर्स के हक के लिए कोई बात करने वाला कोई एक ग्रुप हो जो उनके लिए हमेशा खड़ा हो। अगर हमारे बीजापुर में एक हमारा प्राइवेट टीचर्स का एसोसिएशन होगा, तो प्राइवेट टीचर, कोई भी एक टीचर के लिए भी बात करने के लिए जब एक ग्रुप होगा, एक यूनिटी होगी टीचर्स की, तो उस बात में उसका वज़न रहेगा। जैसे कि आजकल के पैंडेमिक में हमारे लिए कोई बात करने वाला नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं, तो सोचो अगर हमारा एक प्राइवेट टीचर्स का एसोसिएशन होता और हम अपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को जाकर मिलते, बात करते उनसे, हमारे प्रॉब्लम्स को बताते, तो हो सकता है हमारा कुछ सोल्यूशन होता। स्कूल्स में मैनेजमेंट, ऐसे कई मैनेजमेंट है, मैं सभी नहीं कहूँगा, ऐसे कई मैनेजमेंट्स हैं स्कूल्स के, या फिर कोचिंग सेंटर्स कह सकते हैं आप, जो जितना हक प्राइवेट टीचर को मिलना चाहिए उतना उनको देते नहीं हैं। तो जो उनके लिए भी बात करने के लिए ग्रुप होगा, इसीलिए प्राइवेट एसोसिएशन का बनना बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने इसी पे बात की थी, इसी पे मैंने अपील की थी, और काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इसके लिए, और बताया कि हम आपके साथ हैं, हम क्या करेंगे, कब करेंगे आप बताओ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपको पोस्ट कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें बस एक आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, और सेकेंड थिंग आप टीचर होने का एक प्रूफ, जैसे कि आईडी कार्ड हो गया आपका जो स्कूल के थ्रू प्रोवाइड किया होगा, या फिर कोई ऑफ़र लेटर है, ऐसा कोई भी प्रूफ, क्योंकि मुझे फ़िल्टर करना है, ये हमारी बात है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये फ़िल्टर हो, सिर्फ टीचर्स ही इसमें जुड़े हैं, सिर्फ टीचर से ही हमारी बात हो, तो इसीलिए यहाँ पर टीचर का प्रूफ देना ज़रूरी है। तो आप ये फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दें, मैं एक डाटा क्रिएट करूँगा उस पर, उसके बाद हम इंशाल्लाह हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे, क्योंकि इस पैंडेमिक में मिलना सही नहीं होगा। हाँ, हो सकता है अगर आगे अनलॉक हो जाए तो मिलने की कोशिश भी करेंगे, अगर नहीं भी हुआ तो हम ऑनलाइन, इंशाल्लाह हम ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे बीच, हमारे बीजापुर शहर में ऐसे कई टीचर्स हैं जो हाईली एक्सपर्ट हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं,
तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे टीचर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ऐसे बहुत सारे प्लानिंग्स मैंने भी सोचे हुए हैं, हो सकता है ये चीज़ें आपने भी सोची हों। तो जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगी। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, मैं मानता हूँ बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब ये ग्रुप में होगा, जब एक यूनिटी में होगा, तो वही चीज़ें फास्ट होंगी, जल्दी होंगी, सही तरीके से होंगी। तो इसीलिए इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। अगर आपको लगता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही है, आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। आप फिलअप करने के बाद आपके सारे डिटेल्स मुझे मिल जाएंगे, तो मैं इंशाल्लाह इसे सारे के सारे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा और हम मीटिंग करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे का अपना स्टेप लेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो हर एक के लिए होगा, हर एक कोई देखेगा इसे। तो मैं चाहता हूँ कि हम टीचर्स की बात सिर्फ हम तक ही रहें, तो इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि जो प्राइवेट टीचर्स हैं, जो बीजापुर शहर हो या फिर बीजापुर के तालुका लेवल में हो, विलेजेस में हो, उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हम इसे एक बड़े पैमाने पर करेंगे। जो फीमेल टीचर्स हैं उनसे मेरी ख़ास अपील है कि आप भी इस फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल टीचर्स अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। आपके भी मसले मसाइल होंगे ही होंगे किसी भी स्कूल में जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए हम एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, अपने ग्रोथ को डिस्कस कर सकते हैं और इसका एक कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हम एक जब यूनिटी में काम करेंगे तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए फीमेल टीचर्स भी ख़ास ध्यान रखें, इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर करेंगे। अगर आपका साथ रहा, जिस तरह से आपने लास्ट वीडियो में सपोर्ट किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला कि जैसे मैं सोचता हूँ ऐसे सोचने वाले कई लोग हैं। तो इसीलिए इस फॉर्म को फिलअप करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर एक टीचर्स को मिले, वो चाहे बीजापुर शहर में हो, सिटी में हो, या किसी विलेज में हो, या फिर किसी तालुका लेवल में हो। मैं चाहता हूँ कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का हम एक एसोसिएशन बनाएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट टीचर्स हों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे टीचर का मतलब ये नहीं है कि वो बीएड, डीएड या फिर एमएड ही पास आउट होना चाहिए। ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, या कोचिंग सेंटर में, या फिर कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाता है, उसके पास ये प्रूफ है, भले ही वो 12th पास हो, वो भी एक टीचर ही है, तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, कोई भी कास्ट रीजन से हो, हर कोई इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और हम इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर हम अपने हक के लिए बात करेंगे। प्राइवेट टीचर्स का फ़ायदा हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये हर एक टीचर तक मिले। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप फॉर्म को ज़रूर फिलअप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।